नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा में उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बल्कि उनके सांसद बेटे नकुल नाथ की गुमशुदगी के पोस्टर भी चर्चा का विषय बने रहे। इस बीच में अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा कि बीते दो महीने में वे उपचुनाव को लेकर तैयारियां करते रहे। हालांकि इसके बाद एक और बयान को लेकर कुछ चर्चाएं अवश्य हुई हैं। आइए हम सुनाते हैं इस बयान में आखिरकार वो कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, कोई भी जाँच करे अच्छा है। कौन सी गलत बात हुई है, कौन सी चोरी चपारी हुई है, जो लोग खुद ये करते हैं उनको चिंता होती है। वो सोचते हैं जांच में कुछ निकल आएगा, पर क्या निकलेगा? कोई गलत हुआ है? आप सब जानते हैं मेरा पूरा ध्यान 24 उपचुनावों में है। मैंने पिछले दो महीने केवल 24 विधानसभा में ध्यान दिया है। पत्रकार वार्ता में छिंदवाड़ा में कांग्रेस के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार को लेकर जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो कुछ कहा, उसको लेकर भाजपाई और संत रविदास समाज के लोगों के द्वारा कमलनाथ के खिलाफ थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई है। जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दी और खास करके संपूर्ण समाज को एक नया मंत्र दिया, को लेकर के और समाज को लेकर के आज हमारे सम्मानित छिंदवाड़ा के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री ने बहुत ही गलत शब्दों का उपयोग करते हुए समाज को अपमानित करने का काम किया है। आज कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन संत रविदास महाराज जी को नमन करता है, उनकी पूजा करता है, लेकिन जिस तरीके से आज सम्माननीय हमारे विधायक कमलनाथ जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया है, उससे मुझे वो निराशा हुई है। हालांकि एक चीज और यहां पर समझ में आई, पत्रकार वार्ता में नकुल नाथ बार बार खांसते नजर आए, जिसको लेकर चर्चा भी चली। चूंकि नकुल नाथ रेड जोन दिल्ली से भोपाल होते हुए छिंदवाड़ा पहुंचे थे, ऐसे में लगातार खांसते रहना वहां पत्रकार वार्ता के दौरान भय का माहौल बनाता रहा।